बाल सीरीज ग्रेड वन सब्जेक्ट कंप्यूटर प्यारे बच्चों आज हम अपनी कंप्यूटर की बुक का चैप्टर नंबर थ्री पढ़ेंगे जिसका टाइटल है नो योर कीबोर्ड इस चैप्टर में हम कीबोर्ड के बारे में जानेंगे कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट और नंबर कीज़ के बारे में जानेंगे और कुछ स्पेशल कीज़ के बारे में बात करेंगे तो प्यारे बच्चों कीबोर्ड के बारे में आप जानते हैं कि एक इनपुट डिवाइस है इसमें बहुत सारी कीज़ होती हैं एक अंदाज़े के मुताबिक वन हंड्रेड एंड फोर एक सौ चार कीज़ होती हैं जो कि मुख्तलिफ़ ऑपरेशन परफॉर्म करती है इनके बारे में हम बारी बारी जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं पेज नंबर फिफ्टीन पे अल्फाबेट कीज़ अल्फ़ाबेट कीज़ कैपिटल ए से स्टार्ट होके ज़ी तक हैं जो कि रैंडमली प्लेस की होती हैं और ये 26 के करीब होती हैं इसके बाद हमारे पास कीबोर्ड में नंबर कीज़ होती हैं जो कि ज़ीरो से ले कर नाइन तक होती हैं और कीबोर्ड में आपको ये दो जगह पे नज़र आती हैं यानी नंबर कीज़ आपको दो जगह पर नज़र आएंगी जो कि ज़ीरो से नाइन तक होती हैं प्यारे बच्चों इसके अलावा कुछ स्पेशल कीज़ भी कीबोर्ड में होती हैं जो कि मुख्तलिफ़ ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं अब हम इन स्पेशल कीज के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं पेज नंबर सेवनटीन पे सबसे पहले हमारे पास जो की है वो है एंटर की प्रेसिंग द एंटर की ब्रिंग्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू लाइन यानी जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो जो हमारा कर्सर होता है वो नई लाइन पर आ जाता है बैक स्पेस द बैक स्पेस की डिलीट्स एनी करैक्टर यानी जब हम टाइपिंग करते हैं और कोई गलती हमसे हो जाए उसको डिलीट करने के लिए हम बैक स्पेस यूज़ करते हैं स्पेस बार स्पेस बार सबसे बड़ी की होती है हमारी कीबोर्ड पे. इसका काम ये होता है कि जब हम एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड टाइप करते हैं तो उसके बीच में स्पेस ऐड करने के लिए हम स्पेस बार को प्रेस करते हैं कैप्स लॉक प्यारे बच्चों जब आप कंप्यूटर पर टाइपिंग करते हैं तो आप जब अल्फ़ाबेट लिखने की कोशिश करते हैं तो वो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स यानी छोटी ए बी सी टी लिखता है अगर आप कैप्स लॉक का बटन ऑन कर दें तो एक लाइट ब्लिंक करती है जिस पे जिसके बाद आप जो है वो कैपिटल लेटर्स को लिख सकते हैं जी तो बच्चों आज के चैप्टर में हमने की बोर्ड के बारे में बहुत सारी मालूम हासिल की अब हम पेज नंबर नाइनटीन पर एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर वन Choose the correct option to complete the statement. Number 1. There are dash alphabet keys on the keyboard. Very good. Option C, 26. Number 2. The dash key brings the cursor to the beginning of a new line. Very good. Option B, Enter. Number 3. The dash key is pressed to type all alphabets in uppercase. Very good. Option B, caps lock. Question number two. Tick T for true and F for false. Number one. The buttons on a keyboard are called keys. True. The alphabet keys are used to type capital letters only. False. Number three. Number keys are from 0 to 10. False. Number four. The enter key deletes any character to the left of the cursor. False. Number 5. The caps lock key is pressed to type capital letters. True. Question number 3. Part 1. Why is it necessary to have a keyboard attached to a computer? The answer is keyboard is used to type something on a computer. Most of the tasks on a computer are done by using a keyboard. Number two, how many alphabet keys are there on a keyboard and what is their purpose? The answer is a keyboard has 26 alphabet keys, and alphabet keys are used to type both capital and small letters. Number three, how many number keys are there on a keyboard and what is their purpose? Number keys are used to type numbers and these are from 0 to 9. Question number 4 Complete the following table. Enter Pressing the enter key brings the cursor to the beginning of a new line. Backspace The backspace key deletes any character to the left of the cursor. Spacebar. The spacebar key is used to insert spaces between the words or numbers. Caps lock. The caps lock key is pressed to type all alphabets in uppercase.